हेलो, सभी हमारे सभी सब्सक्राइबर भाई बहनों को मेरा नमस्कार। आज का वीडियो बनाने का मेन मकसद है, एक वीडियो बनाया था इससे पहले जिसमें ड्राई आइटम का सारा सामान का रेट बताया था, तो उससे कुछ लोग को बुरा लगा तो गलत सलत वीडियो बना रहे हैं, सिर्फ लोगों को विचलित करने के लिए, माइंड को फेरने के लिए कि उस पर विश्वास ना करें कि ये सच्चाई है और उनको लूटने में आसानी हो। तो ये उसी को क्लियर करने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। उस वीडियो में कहना है उनका कि मैं ऑप्टिमम कंपनी के बारे में डायरेक्टली उसमें बताया, ऐसा कुछ नहीं है। उस वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखें, आपको समझ में आ जाएगा कंपनी का मतलब क्या होता है। पर्सनली ऐसा तो नहीं बोला कि मैं ऑप्टिमम कंपनी वाले, पीसीजी कंपनी वाले, ऐसा थोड़ी मैं कंपनी बताया। मैं जहाँ से माल लाता हूँ वो मेरे लिए कंपनी हो गया, क्योंकि वो सारा सामान, टोटल सामान मैं एक ही दुकान से लाता हूँ, तो वो पीसीजी कंपनी थोड़ी हो गया, चाहे आरएस इलेक्ट्रिकल थोड़ी हो गया, वेनस एक्वा थोड़ी हो गया। ये तो वो बच्चा भी समझेगा, वो वीडियो पूरा देखेगा तो उन पर हंसेगा, उस वीडियो को जो बनाया है। फिर भी मैं क्लियर करने के लिए आप लोग के लिए एक वीडियो बना दे रहा हूँ कि आप लोग के दिमाग से वो चीज़ जो भ्रम डालना चाह रहे हैं वो भ्रम आपके दिमाग से हट जाए। इतना लंबा चौड़ा कि मैं फलना थाईलैंड में ये एप्लीकेशन भेजा, मेल भेजा, वो कुछ वैसा नहीं हो सकता है भैया। वो इतनी बड़ी कंपनी है कि अगर आप वहाँ चाहोगे भी कि मैं मेल भेजूँ तो वो वहाँ कूड़ेदान में डाला जाएगा आपका मेल, अगर पहुँच भी गया तो। अगर आप चाहिए कि हम उससे बात कर लिए, कोई बोलेगा कि मैं कंपनी से बात किया, भैया वहाँ का चपरासी भी आपसे बात नहीं करेगा, इतना बड़ा कंपनी है वो सब। आज जो बड़ा बड़ा डीलर जो धनबाद में है बना हुआ, ये सब सब बंगाल से माल आता है, किसी का दिल्ली से माल आता है, तो वो लोग जहाँ से लाते होंगे वो लोग का भी जो ऊपर में है वो लोग लाता होगा। जैसे मान लीजिए इंडिया में एक होगा वो ऑप्टिमम का होगा, कोई आर एस इलेक्ट्रिकल का होगा, कोई ऐसा करके किसी एक कंपनी को ही मिलता पूरा। जैसे बाहर से एक कंपनी दिया, इंडिया में एक बनाया, फिर वहाँ से वैसे करके डिस्ट्रीब्यूटर बनाया, वैसे करके तो जो डिस्ट्रीब्यूटर बना हुआ है हम लोग वहाँ से माल लाते हैं, वो सारा चीज़ इकट्ठा करके हम लोग को देता है। तो हम वो बताएं कि हमारा जो भाई जहाँ से हम माल लाते हैं वो मेरे लिए कंपनी हो गया, ऐसा थोड़ी कि पीसीजी कंपनी, ये तो बहुत बड़ा कंपनी है भैया, हम लोग से बात नहीं कर पाएगा ये। अच्छा है, बात कर भी लेगा तो उतना औकात नहीं है कि मैं, कम से कम एक कंटेनर लाने में 2-3 करोड़ रुपया लगता है, तो उतना का माल ला करके यहाँ रखे, छोटा सा प्रांत है धनबाद, इतना में जितना सेल होता है उतना काफ़ी है, उतना ही बहुत है हमारे लिए, अब उससे भी ज़्यादा कमाने के लिए। अब उसी में जैसे अब मान लीजिए कि ऑप्टिमम 100 ग्राम का 40 रुपये हम बेचते हैं, 40 रुपये का रेट भी उसमें दिए, अब उसमें भी ऑब्जेक्शन लगाना, ये वीडियो के मार्फत पब्लिक का दिमाग को चेंज करना कि वो गलत है, वीडियो है, फेक वीडियो है, ये सब चीज़ है कि भाई हम 40 के बजाय 50 या 60 में दे रहे हैं तो आप उतना ही लुटाते रहिए, ये सब गलत है। जो सही रेट है उतना ही में माल बिकना चाहिए। अब रहा बात कि कुछ वीडियो बनाया जाता है, ये लोकल कोई कार मेलिना जिसको बोलते हैं उसको जैपनीज बना करके बेचते हैं लोग, तो ये सब गलत चीज़ है। अगर उस सब चीज़ के बारे में अगर किसी को सामान बेचिए तो ऑप्टिमम पीसीजी कंपनी तो ऑप्टिमम ही दीजिए, ना कि टोक्यो को ऑप्टिमम बना के बेचिए। अब कोई कार्प है तो आप उसको जापनीज कोई बना के बेच रहे हैं, ये सब मामूली मामूली सा चीज़, ये सब कोई भी बेवकूफ़ बनने वाला बात नहीं है। और रही बात आगे, अगर जैसे अभी 1.5 साल या 2 साल हुआ होगा, ज़्यादा दिन थोड़ी हुआ होगा दुकान खोलना हुआ, और आज इतना बड़ा बड़ा वीडियो बना देता है लोग कि अरवाना कैसे रखना है, इसका गाइड का, टैंक रिफ्रेशिंग गाइड का, प्लस मछली गोल्डफिश को कैसे रखना है, उस सब को कुछ जानकारी नहीं है। सही बोले तो मुझे भी जानकारी नहीं है, जो मछली का रियल पालन होता है, जो पालन कर रहा है, ब्रीडिंग कर रहा है, जो ब्रीडर लोग को जानकारी है, वो हम लोग को जानकारी नहीं है। हम लोग लाए, कुछ दिन रखे और बेच दिए, सारा दुकानदार वही कर रहा है। मैं तो 12 साल से कर रहा हूँ फिर भी मुझे जानकारी की कमी है। आज 1.5 साल नहीं हुआ है, कल तक मेरे यहाँ से माल जाता था, आज वो बहुत बड़ा जानकार बन गया, ये सब गलत चीज़ है, सिर्फ भ्रमित किया जा रहा है लोगों को, ये सबसे बचें। अगर सही जानकारी लेना है तो उसका भी मैं उपाय बता देता हूँ।
आप डेक्स्टर वर्ल्ड का वीडियो देखिए, उस वीडियो में जो भी क्वेश्चन करिए आपको सारा चीज़ का वीडियो बनाया हुआ है, और बहुत ही माहिर और बहुत ही उम्दा जानकार आदमी है, उसका वीडियो देखिए। मैं खुद उसका वीडियो देख देख करके बहुत सा मतलब अपना खुद अपना एक्वेरियम का दुकान का बचाता हूँ, कोशिश करता हूँ। तो ये सही सही जानकारी देने के लिए ही हम वीडियो बनाते हैं, और इसके एवज में लोगों को बुरा लगता है, क्योंकि जो जो गलत कर रहे हैं उनको तो बुरा लगेगा ही। अब वो थाईलैंड कंपनी में मेल भेजना और ये भेजना क्या है, मतलब बच्चा भी देख के हंसेगा, अरे भाई कोई भी पलट के देख लेगा पीछे में कंपनी का एड्रेस लिखा हुआ रहता है, वो पूरा कंप्यूटर में टाइप कर लिया, मैंने मेल भेज दिया, ये भेज दिया, झूठ मूठ का ये सब चीज़, ये सबसे बचिए। खाली गुमराह किया जा रहा है कि ये सच्चाई रेट जो 40 रुपया मैंने बता दिया वो गलत मान लीजिए। भैया धनबाद का सिन्हा एक्वेरियम गूगल मैप में सिन्हा एक्वेरियम डालिए, डायरेक्ट आपको मैप आपको सिन्हा एक्वेरियम पहुंचा देगा, और क्या रियलिटी है और क्या सच्चाई है सारा चीज़ आपको पता चल जाएगा। आप मेरे यहाँ लीजिए या ना लीजिए वो आपकी मर्जी, लेकिन रेट का जानकारी जो मैं दे रहा हूँ वो सही आपका, मैं आपके सामने खरा उतर रहा हूँ या नहीं ये आकर के आप पता कर सकते हैं, लेकिन गुमराह होने से बचिए। और ये ऑप्टिमम है, इसका दाम मैं उस वीडियो में 75 रुपये बताया था, अब इसको लोग 120 में बेचते हैं तो जाहिर सी बात है कि उनको बुरा लगेगा, और लंद फंद ब्लेम डालेंगे, मैं थाईलैंड कंपनी को ये बोला और वो हमको धमकी दिया कि उसको एड्रेस दीजिए, उसको इतना फालतू टाइम ही नहीं है भैया, उसका चपरासी तक आपसे बात नहीं किया होगा। वो तो रही बात आपका थाईलैंड कंपनी तो बहुत दूर की बात है, अब इससे ज़्यादा क्या बोले भैया, बस एक चीज़ बोलेंगे कि गुमराह होने से बचें, और रियल मेरा वीडियो देखते रहिए, आपको हमेशा अपडेट रेट का देता रहूँगा। जैसे ऑप्टिमम का रेट अभी जो चल रहा है, अगर कुछ बढ़ेगा रेट तो बढ़ा हुआ रेट देंगे, ऐसा ना कि अनाप शनाप एकदम कभी 100 रुपया हो गया तो आप 100 रुपया में लेने लगे बाज़ार में। मेरा वीडियो देख लीजिए, उस रेट के अनुसार अगर 1 रुपया 2 रुपया इधर उधर हो तो चलता है। अब एक बैग अचानक 30 रुपया का चीज़ है, 40 रुपया का चीज़ है, उसको 50 रुपया 60 रुपया 80 रुपया ये नहीं होना चाहिए, तो इससे बचें। और उसी को बचाने के लिए ही मैं आप लोग सब जितने भी ग्राहक भाई लोग हैं उनको सही रेट मिले इसके लिए ही ये वीडियो बनाता हूँ। आज ऐसे ऐसे लोग हैं क्या बोले, कल तक हमारे यहाँ से माल जाता था हमारे यहाँ से, अभी बोले तो भैया एक्वेरियम का ये भी नहीं मालूम होगा कि क्या सही में जानकारी रख रखाव है कि नहीं है, कुछ नहीं, बस रेडी रेडी सामान लिया रख दिया और उसका जानकार बन गया, ये वीडियो बन गया, वो वीडियो बन गया, इसका ऐसे रखना है, वो मछली को ये खिलाना है, कुछ नहीं, सारा चीज़ गलत, टोटली गलत। आपको सब चीज़ का सही जानकारी सिर्फ डेक्स्टर वर्ल्ड का वीडियो में ही दिखेगा, और अगर वो सब चीज़ जानकारी लेना हो तो डेक्स्टर वर्ल्ड का वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, ना कि मेरा और वो जो फेक वीडियो सब बनाता है। बस बोलने का मतलब यही है भैया कि सही जानकारी लीजिए, और लास्ट में अंत में ये बोलूँगा कि कोरोना का दौर चल रहा है, और जैसे किसी दुकानदार के बारे में अगर पता चल जाए कि उसको सर्दी है, साइनस हो गया है, माथा में दर्द है, कुछ दवा खा के बात कर रहा हूँ, भैया वो सबसे बचें, मास्क लगा लें, हैंड सैनिटाइज़र कर लें, ग्लव्स ले लें, और मैं तो यही कहूँगा कि वहाँ जाए ही ना भैया, जान रही तो फिर आगे चल के बहुत कुछ खरीद लेंगे, ठीक है भैया। तो सचेत रहें कोरोना में, मास्क लगाएं, हैंड सैनिटाइज़र करें, और खुद सुरक्षित हो और अपने परिवार को भी सुरक्षित रखें। धन्यवाद, नमस्कार।